प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार आदर के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार का आप लोग प्यार स्नेह देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग को अधिक से अधिक कुंडली के बारे में, जैसे राशि, ग्रहों की युक्ति, भाव, लग्न, हान, लाभ सब समझाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। आज मंगलवार का दिन है, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मंगल ग्रह कुंडली के किन किन भावों में राजा के समान सुख देता है, समांतर सुख देता है, राजनेता बनाता है। जिसके कुंडली में प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, कर्मठ होते हैं, लगनशील होते हैं और जीवन में सफल होते हैं। जिसके कुंडली तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता के प्यारे होते हैं, माता पिता के सुखचिंतक होते हैं, सामाजिक इनको ज्ञान होता है, ऐसे लोग बचपन से ही भाग्यवान होते हैं और राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग सीए की शिक्षा प्राप्त करते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग राजनेता बनते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं, ऐसे लोग की सामाजिक प्रतिष्ठा कभी नहीं बर्बाद होती है, कभी इनकी इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती है, ये परिवार से सांसारिक सुख से, संतान से हर जगह सफल संपन्न होते हैं और सफल होते हैं। जिसकी कुंडली में दसवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, दोस्तों ऐसे लोग अवश्य राजनेता बनते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, ऐसे लोग कई उद्योग के मालिक होते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, टेक्निकल माइंडेड होते हैं और ऐसे ही लोग जज, न्यायाधीश बनते हैं, सीए बनते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग के चौथेपन बहुत सुखदायी जाते हैं, ऐसे लोग कई वाहन, कई मकान के मालिक होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक कार्य भी करते हैं, ऐसे लोग गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, सोशल विचार के होते हैं, कभी कष्ट नहीं पाते। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम मैंने प्रस्तुत किया, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अगर मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छुक हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, वो मुझसे पूछ लेंगे, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।